Good morning, class. How are you? I think fine. This is Sandeep Patri from JP Institute Narnaul Hisar के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का अहम टॉपिक है भाई, कैलकुलेशन, गणना। इसको हम मैथ की रीढ़ की हड्डी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा कैलकुलेशन पे अपनी महारत हासिल नहीं करता वो अब पिछड़ जाता है। और सभी बच्चों का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से फास्ट करने के लिए आज के लिए टॉपिक लेके आओगे आपका स्केल का, वर्ग का। देखो भाई, जो बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू लेक्चर देखोगे तो बहुत मजा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। चलो पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करा है अपन है वर्ग का। किसी भी संख्या की उसी संख्या के साथ गुणा करना हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 7 का वर्ग कर लिया तो इसका मतलब क्या होता है, 7 गुणा में 7 49 हो गया। अगर हमने 9 का वर्ग करना है इसका मतलब क्या हुआ, 9 गुणा में 9 कितना हो गया भैया आपका 81। यानी किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करना हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। देखो भाई, टॉपिक स्टार्ट करा है, सबसे पहला जो डिजिट होता है मैथ के अंदर वो 1 होता है। और 1 के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, 1 का स्केयर 1 होता है, तो मिनिमम आप 11 से स्टार्ट कराएंगे, 11 से 11, 111, 1111, और उसी तरीके से 1 को हम बढ़ाते रहेंगे, डैश डैश डैश, इस तरीके से हमने इनका स्केयर कैसे कराएंगे, ठीक है। देखो भाई, 11 का वर्ग करा यहाँ पर, 11 में हमारे 2 एक आवे हैं, 11 में हमारे 2 बार एक आवे है, इसलिए अपन 1 2 1 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपन मान के चलो भाई 111 का वर्ग करना है, इसमें 1 कितनी बार आया, 3 बार 1 आया भाई, 3 बार 1 आया तो हम क्या लिखेंगे, 3 बार 1 आया है तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 तक गिनती लिखेंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है भाई, 3 तक हम नंबर लिखेंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद घटते क्रम में भाई, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे कितने लिए, यहाँ पे अपन है 5 बार 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 5 बार 1 ले लिया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको भाई, 1 2 3 4 5, उसके बाद घटते क्रम में भी 4 3 2 1। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों, तो यहाँ पे देखो मैंने कितनी बार लिख लिया, 6 बार लिख लिया है ना, कितनी बार लिख लिया, 6 बार लिखा, 6 बार लिखा तो मैंने 1 से लेके 6 तक की गिनती बढ़ते क्रम में लिखनी है, उसके बाद घटते क्रम में, उसके बाद घटते क्रम में। यहाँ पे आप कितने भी वर्ग क्यों ना लिखो, सपोज करो भाई किसी बच्चे ने यहाँ पे देखो बच्चों कितने हो गए, 4 और 4 8 9 हो गए भाई, है ना, तो हमारे 9 बार 1 आ गया, तो सिंपल सा फंडा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से आपने क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। अब इसका कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे ना मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने 22 का वर्ग करना है ना, 22 का वर्ग कैसे करोगे बच्चों, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है ना, 2 कॉमन लोगे अंदर क्या बच गया, 1, ठीक है, सारे क्या करोगे वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, और 11 का वर्ग अपना भी सिखा था, 2 बार 1 आ गया तो 1 2 1, है ना, 4 से गुणा करो 4 8 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, सपोज करो अपन ने 33 का वर्ग करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 × 11, क्या लिखूंगा भाई, 3 × 11, 3 का स्केल कितना हो गया, 9, 3 का स्केल कितना हो गया, 9, और 11 स्केल कितना हो गया भाई, 1 2 1, गुणा कर लो बच्चों, ये हो गया 9 9 2 18 9 1 10। सपोज करो भाई अपन है 44 का वर्ग करना है, सपोज करो भाई आपने 44 का वर्ग करना है, अपने पता है 4 का वर्ग 16 हो गया और अंदर बचेगा 11, अंदर क्या बचेगा, 11, 11 कितना होगा बच्चों, 131, गुणा कर लो भाई 16 1 16 16 2 32 और एक आंसर भी थी, 16 1 16 और 3 19,
देखो ये चीजें है ना, एक बार समझने के लिए आपको बताई थी भाई, अगर बार बार लिखेंगे उससे अच्छा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जैसे मान के चलो मैंने किसका करना है बच्चों, 55 का वर्ग करना है, मैंने किसका वर्ग करना है भाई, 55 का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना आ गया 25, 5 का वर्ग कितना आ गया 25, अंदर क्या बचा भाई 11, 11, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, 25 एकम 25 हंसल की दो, 25 दोनी 50 और 2 52, 25 एकम 25 और 5 हंसल दिए भाई, ठीक है। सपोज करो बच्चों मैंने 66 का वर्ग करना है, 66 का वर्ग में 6 का वर्ग 36 आ गया और अंदर हम क्या लिखेंगे 1, 2, 1, ठीक है भाई। 36 की गुणा 1 के साथ 36 एकम 36, 36 दोनी 72 और 3 हंसल थी भाई 76, 7, 36 एकम 36, 36 और 7 43। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कर सका हाँ भाई, पूरा टॉपिक को देखोगे तो मजा भी आएगा और नया भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन का टॉपिक आप कवर कर लेना बच्चों, फिर देखना आपकी स्पीड 4 गुना हो जाएगी, काम करने की स्पीड 4 गुना हो जाएगी और 3 से 5 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ चुटकियों में अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो अपन ये पढ़ा था, यदि हम 111 का वर्ग करा है ना, 111 का वर्ग करो तो क्या बताया बच्चों, 1, 2, 3, 2, 1, मैक्सिमम 3 है ना, यहाँ पे मैक्सिमम 3 बार 1 आया है, तो 1 से लेकर 3 तक गिनती बढ़ते क्रम में, उसके बाद घटते क्रम में। अगर सपोज करो बच्चों मैंने 222 का वर्ग करना है ना, 222 का वर्ग करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे है ना 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कॉमन निकाल लेना, अंदर क्या रहेगा 111 का, 2 का कितना हो गया बच्चों 4, 2 का कितना हो गया 4 और 111 का हो गया भाई 1, 2, 3, 2, 1। अब गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। सपोज करो भाई मैंने 444 का करना है, सपोज करो भाई मैंने 444 का करना है, यहाँ से आपकी बात क्लियर होगी बच्चों कि यहाँ पे जो अंक कॉमन लिया जा सके उसने कॉमन ले लो, जो अंक कॉमन लिया जा सके उसने कॉमन ले लो, इसमें तो कॉमन के लिए जा सके 4 और 4 का वर्ग हो गया 16, इसमें कॉमन ले लिया 4, 4 का यहाँ पे वर्ग है ना, तो इसलिए इसका वर्ग बाहर लिख दिया 16 और अंदर लिखांगे भाई 3 एक क्या वर्ग 1, 2, 3, 2, 1 है ना। तो 16 से गुणा करो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 हासिल 33, 16 3 48, 48 और 3 51, 16 दूनी 32 और 5 37, 16 एकम 16, 16 और 3 19। इस तरीके से देखो बच्चों बड़े आराम से हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे किसका करना है भाई 555 का, 555 का इसका मतलब क्या लिखा है भाई, अपन ने 5 इंटू में 111 और सारे का स्केल कर दिया ना, 5 का स्केल कितना आ गया 25 आ गया, 5 का स्केल कितना आ गया 25, स्केल 5 का भी है और स्केल किसका भाई 111 का भी है, 111 का कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 2, 1, 25 का फटाफट 2 भाई, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 हासिल थे भाई 25 वाले, 52 25 दिए 76, हासिल क्या थी 5, 76 5 80 भाई 80। देखो बच्चे दोबारा देख लो अपन क्या करना, 25 एकम 25, हासिल कितनी लागी 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, हासिल क्या लागी 5, 25 दिए 76, 76 5 80, हासिल कितनी लागी 8, 25 दूनी 50 और 8 58, हासिल फिर से कितनी लागी 5 वे, ठीक है। 25 एकम 25, 25 और 5 30, 3,08,025। देखो एक अच्छी खासी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, अगर आप इस तरीके से करोगे बड़े आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक दो उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, सपोज करो भी अपन देखो 1 का तो सिंपल है भाई, 1 का तो अपन 9 का तक देख लिया, सपोज करो 4 टाइम 2 दे दिया आपका है ना, 4 बार में 2 दे दिया, इसका वर्ग करना बच्चों अपन 2 का इंटू में 4 बार 1 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग आपने पता बच्चों 4 होता है और इसका वर्ग 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ठीक है। गुणा करो फटाफट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, लेकिन एक आंसर थी भाई किसकी 12 की, कितने हो गए 17, आंसर फिर से 4 3 12 और 1 13, 4 दूनी 8
नौ, चार एकम चार, देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन, बड़े आराम से कर लेंगे अपन। सपोज करो चार बार फोर का करना है अपन ने, चार का स्केयर उच्च 16 हुआ है और एक से लेके चार इक्या का हुआ है, एक दो तीन चार, तीन दो एक, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो भाई आपका 16 एकम 16, 16 दूरी 32 और एक 33, 16 किए 48 भाई, 16 किए 48 और तीन आसन थी भाई इक्यावन, 16 चौके 64 और पाँच 69, हंसल लागी 6, 16 किए 48, 48 और 6 54, हंसल लागी 5, 16 दूरी 32, 32 और 5 कितने होते बच्चों 37, हंसल लागी 3, 16 एकम 16, 16 और 3 19। इस तरीके से आप बड़े आराम से इसको अटैम्प्ट कर पाओगे। देखो ये अच्छे बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है बच्चों, इस तरीके से करोगे तो आप रिलैक्सेबल माइंड से, और एक डिजिट का बताऊंगा मैं आपको, चौक निकालेंगे अपन, स्केयर निकालना है, स्केयर ऑफ नंबर 369, 369 का स्केयर हम इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तीन के लिए ले लेते हैं बच्चों, जैसे तीन का ले लिया अपन ने 33 का, उसके बाद 333 का, उसके बाद 4×3 का, एंड सो चलता रहेगा, ठीक है। तो सपोज करो भाई मैंने 3 का स्केयर लेना, 3 का स्केयर हमने क्या होता है बच्चों 09, दो अंक हम लिखना है, 3 का स्केयर क्या होता है 09, दो अंक हम लिखना है। सपोज करो कि मैंने 33 का स्केयर करना है भाई, इसका करेंगे 33 का, 33 का 3 का स्केयर अपन पता बच्चों कितना होता है 09। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे दो बार तीन आ रहा है, तो एक अंक तो ये ले लिया, एक अंक तो ये ले लिया, एक और इनके साथ में लेना है, 13 बनाना है। तो यहाँ से अगर ये मान के चलो भाई ये दो है, इनके साथ में एक एक अंक और लगाना है, यहाँ पे दो थे ये अकेले अकेले नहीं छोड़ने, इनके साथ एक एक अंक और लगाना, दो दो का जोड़ा बनाना है, दो अंक में जोड़ा कैसे बनाओगे भाई, इसको एक कम कर देना, इसको एक कम करोगे कितना आ गया 8, इसको एक बढ़ा देना कितना हो गया 1, 33 का और एक क्या आ गया 10, 89। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर हमने 333 का अपन वर्ग करना है, इसका करोगे 333 का, तीन कितनी बार आया 3 बार आ गया, तीन का वर्ग क्या आ गया बच्चों 09, तीन का वर्ग कितना हो गया 09। ये तीन बार आ गया ना, एक अंक तो ले लिया, इसके साथ अपन दो अंक और लेने हैं, यहाँ पे भी एक अंक तो ये ले लिया, उसके बाद इससे आगे भी आपने दो अंक और लेने हैं, ठीक है। तो वो कौन से होंगे भाई, इसमें से कम कर देना, यहाँ पे कितना होगा 8, इसको एक बढ़ा देना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर सपोज करो मैंने क्या ले लिया 4×3 ले लिया, 4×3 ले लिया, तीन को चार बार लिया, तो आपने पता है भाई तीन का वर्ग होया करे 09, तीन का वर्ग कितना आया करे 09, यहाँ पे तीन कितने आ गए 4, तीन कितनी बार आया 4 बार, तो यहाँ पे है ना 1, 2, 3 और 4, चार स्थान खाली कर लो यूँ, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अपन अंक कौन से भरने हैं, यहाँ पे अंक भरना पड़ेगा अपने इससे एक कम, इससे एक कम क्या होगा बच्चों 8, इससे एक कम क्या होगा 8, इससे एक अधिक, इससे एक अधिक क्या होगा, इससे एक अधिक होगा 1, यहाँ पे आपने 1 लेने, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी लेता हूँ, है ना, तो सपोज करो ये अपन कितने ले लिए भाई, यहाँ पे 6 बार आ गए, यहाँ पे तीन कितनी बार आया 6 बार आया, तीन का वर्ग अगर सारे का वर्ग करेंगे, तीन का वर्ग होता है बच्चों 09, तीन का वर्ग क्या होता है 09, यहाँ पे बाकी अंक कितने और लेने रह गए, एक एक तो ले लिया 6 में, एक एक तो ले लिया, बाकी कितने बचे 5 अंक और बच गए, वो 5 अंक हमने क्या लेना है, इससे एक कम लेना है, इससे एक कम क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आपने 8 लेना है यहाँ पे, उसके बाद इससे एक बढ़ा के लोगे, इससे एक बढ़ा के लोगे, एक से 0 से बढ़ा 1 हो गया, वो भी कितनी बार लेना है आपने 5 बार, वो भी आपने कितनी बार लेना, ये भी 5 बार लेना, ये भी 5 बार, इससे हमारा एक कम हो जाएगा, इससे हमारा एक बार कम लेना है, क्योंकि तो एक एक अंक अपन ने पहले ले लिया, यहाँ पे अपन ने भाई एक एक अंक पहले ले लिया, वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा बच्चों, वर्ग के अंदर
जो इवन नंबर के डिजिट हैं वो डबल हो जाया करें, दो हैं तो चार हो जाएंगे, दो अंक हैं तो उसके चार हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे कितने बीस से एक कम लेके इस आधार पर हम कराएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं भाई, जैसे बच्चों अपन है सिक्स ले लिया भाई, है ना, सिक्स ले लिया, या भाई छियासठ का करांगे या 666 का करांगे या 4 × 6 का करांगे, है ना, इस तरीके से करोगे तो। अब जैसे मान के चलो बच्चों मैंने 6 का ले लिया ना, 6 का स्केल कितना होता है 36 हो गया, उसके बाद 66 का स्केल करोगे बच्चों, 66 का स्केल भी कितना हो गया 36 हो गया, 66 का स्केल भी क्या हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पर देखना बच्चों यहाँ पे 6 कितनी बार आया, दो बार, दो बार में तो अपन एक एक अंक ले लिया, दो बार में से अपन एक एक अंक ले लिया, तो इसका मतलब एक अंक और लेना है, वो कौन सा लेना है, इसको एक कम कर दो, इससे कम क्या हो गया आपका 5, इससे एक बड़ा भी लिख दो, ये कितना हो जाएगा 4। सपोज करो बच्चों अपन 666 का करना है, 666 का वर्ग करना है, यहाँ पे अंक कितने हैं 3, 6 का वर्ग क्या आया बच्चों 36, 6 का वर्ग कितना आया करे 36, है ना, क्योंकि तीन तीन के जोड़े बनाने थे इसमें, है ना, तीन तीन के जोड़े बनाने थे, तीन नाम तो दो अंक तो आ गए, है ना, यानी कि तीन नाम तो दो अंक तो आपके आ गए 3 और 6, बाकी कितने बचे भाई 4 अंक और बच गए, बाकी कितने बचे 4 अंक और, ठीक है, वो कौन से बचेंगे भाई, दो तो यहाँ पे आ जाएंगे, दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से है ना एक कम लेना आया करे, यहाँ पे अपन एक कम लेना आया करे, तो इससे कम हो जाएगा आपका 5, इससे एक अधिक हो जाएगा 4, यहाँ 4 को दो बार लेना है, यहाँ पे 5 को दो बार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई बच्चों, मान के चलो अपन ने कितनी बार लिया, सपोज करो अपन ने 5 बार 6 ले लिया, सपोज करो बच्चों अपन ने क्या किया कि 5 बार 6 ले लिया, है ना, तो यहाँ पे 5 बार 6 ले लिया, तो 5 का वर्ग बच्चों क्या होता है 36 हो जाता है, 5 का स्केल कितना आता है, सॉरी 6 का, 6 का स्केल कितना हो गया बच्चों 36 वाला करें, है ना, 6 का स्केल हो गया बच्चों 36, राइट। अब आपने करना क्या है इसमें से, यहां से आपने करना क्या है, इसको एक कम कर लो तो कितना आ जाओगे 5, 5 को कितनी बार लिखोगे बच्चों 5 बार, 5 को कितनी बार लिखोगे बच्चों 5 बार, तो यहाँ पे इसको एक बढ़ा के लिखोगे, है ना, तो एक बढ़ाओगे कितना आ जाएगा 4, 4 को कितनी बार लिखोगे 5 बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर हम 9 का वर्ग करते हैं, है ना, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 99 का वर्ग करना बच्चों तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो यहाँ पे वही फंडा रहेगा भाई, यहाँ पे अपने 2 हैं, 2 से एक कम कर लो, है ना, 2 से एक कम करोगे 1, यानी एक अंक तो यहाँ पे लिखना है अपन, एक यहाँ पे लिखना है, 1 से कम 0, इससे अधिक 9, सपोज करो मैंने 4 × 9 का लिखना है बच्चों, ठीक है, तो 9 का वर्ग लिखा मैंने 81, 9 का वर्ग लिखा 81, इसका तो काम हो गया भाई, इसका काम कंप्लीट होया, क्योंकि तो इसका तो लिख दिया 81, बाकी कितने 9 बच गए 3 और बच गए भाई, बाकी 9 कितने बचे 3 और बच गए, 3 बचे तो इसका मतलब क्या होया, इससे एक कम करके, एक कम करोगे क्या आ जाएगा 0, 3 बार 0 लिख दो, और 3 बार ही आपने 9 लिखने हैं, 3 बार ही तो 0 लिखोगे और 3 बार ही आपने 9 लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो टेंशन नहीं लेना बच्चों, समझ लेना कॉन्सेप्ट भाई, टेंशन में होगा समझ में ना होगा, जैसे एक 9 का तो अपन वर्ग लिखना है, 9 का वर्ग कितना होया करे 81 होया करे बच्चों, 9 का वर्ग कितना होया करे 81, उसके बाद देखो बाकी कितने 9 बच गए, उसके बाद कितने 9 बच गए 4 9 बच गए भाई, 4 9 बच गए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होया भाई, यहाँ पे एक कम कर देना है, एक कम करोगे तो सारे क्या बचेंगे 0, 9 के 4 थे तो 4 0 भर दिए, है ना, इसको अपन क्या करना है एक बढ़ा के, है ना, 8 से अगला क्या हो गया बच्चों 9, 8 से अगला अंक क्या हो गया 9 हो गया, कितनी बार लिखना था 4 बार लिखना था, सिंपल सा फंडा है, एक में एक का वर्ग लिख दो, बाकी घटा के बढ़ा के इस तरीके से लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों कितने हो गए आपके 4 × 3 7, 7 बार 9 आ रहा है, 1 9 का वर्ग लिख दिया अपन, 1 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों 81 होया करे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो
थोड़ा सा और पीछे लिख देता हूँ मैं, ये अपना 8 आ गया और यहाँ पे हमारा 1 आ गया, इनके बीच बाकी कितने बचे हुए, 1 का वर्ग तो लिख दिया 81, 1 9 का वर्ग तो लिख दिया 81, बाकी कितने बचे, 7 बच गए, है ना। तो यहाँ पे मैंने कितने डिजिट लेके आने हैं, 7 डिजिट लेके क्या हो गए, यहाँ से अपना 1 कम, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1 बढ़ा के लेके आना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हो बच्चों। तो पूरा टॉपिक देखना, इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।